इस क्वेश्चन में इन अ रीजन ऑफ स्पेस मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट ओरिजन. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि आपके पास लेट अस सपोज एक सिलेंडर गिवन है ऑफ रेडियस कितना ए. तो मैग्नेटिक फील्ड इसके इसके बीच में है, बस बाहर नहीं है, सिर्फ सिलेंड्रिकल रीजन में है जिसका रेडियस क्या है ए. तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है. और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ. मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर क्या है माइनस बी नॉट टी. टाइम बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज होता जाएगा, माइनस के कैप है. फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ स्टेशनरी चार्ज क्यू प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर. तो कह रहे इस सिलेंडर का रेडियस ए है, आर ग्रेटर देन ए. इस सिलेंडर से बाहर कहीं एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, उस क्यू पे फोर्स कितनी लगी. भाई फोर्स क्यों लगेगी, सिलेंडर का रीजन में क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज होगा अपने आसपास क्या जनरेट करेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होगा चार्ज क्यू और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू ई. एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. तो इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है यहां तक. तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इमेजिन करो यहां मैग्नेटिक फील्ड है ऑफ रेडियस ए और आपको चार्ज मान लो आर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है. तो अगर आपका चार्ज यहां पे कहीं पड़ा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो मुझे यहां पर फोर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, फॉर्मूला का यूज करेंगे, ई डॉट डी एल अभी किया था इज इक्वल टू क्या, माइनस डी फाई बाय डी टी, है ना, क्योंकि ई एम एफ का फॉर्मूला कैसे भी यूज कर लो, ये भी ई एम एफ और ये भी ई एम एफ है. तो हम एक काम करेंगे, जहां जहां ई डॉट डी एल यूज करते हैं, जैसे बिल्कुल जैसे एम्पियर सर्किट लॉ में बी डॉट डी एल यूज किया था, उसी तरीके से ई डॉट डी एल. तो जहां जहां ई डॉट डी एल यूज करेंगे तो इसका रेडियस क्या है आर. तो ई डॉट डी एल के अंदर, ई डॉट डी एल में जैसे एम्पियर सर्किट लॉ यूज करते थे बी इंटू टू पाई आर, याद है, बी इंटू टू पाई आर की जगह ई इंटू टू पाई आर. तो आपने आर्बिटरी कोई भी पाथ बना देना है, और पाथ सबसे बेस्ट सर्कल होता है, क्योंकि डीएल की इंटीग्रेशन सर्कल की सबसे आसान होती है टू पाई आर. क्लियर है यहां तक. और वैसे भी आर डिस्टेंस में कहीं पर भी चार्ज को रखा जा सकता है, तो आपका सर्कल ही बनेगा एक इमेजिनरी. तो ई इंटू टू पाई आर हो गया, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या, माइनस डी फाई बाई डी टी. माइनस डी फाई बाई डी टी में यहां पर माइनस डी फाई बाई डी टी. तो इसके अंदर हम ऐसा कर रहे हैं, ई इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. ई इंटू टू पाई आर माइनस डी बाई डी टी ऑफ, फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू एरिया. तो ई इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू माइनस, देखो इसमें एरिया कॉन्स्टेंट है, क्या चीज चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड. अब एरिया कौन सा लेना है, ये ध्यान से, एरिया वो लेना है जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. तो इस सर्कल के अंदर एरिया सिर्फ ये लिया जाएगा क्योंकि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. तो इसका एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर. लेंथ आपने वो लेनी है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टू पाई आर, लेकिन एरिया वो लेना है जहां मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेजेंट है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स सिर्फ सिलेंडर में प्रेजेंट है जिसका रेडियस क्या है ए. तो एरिया की जगह क्या पुट करना है यहां पर, पाई ए का स्क्वायर. तो ये देखो किया हुआ है पाई ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है यहां तक. तो ई इंटू टू पाई आर में आर यूज करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आर डिस्टेंस में निकालना है, तो टू पाई आर. लेकिन उसके अंदर कितने पोर्शन में एरिया है, पाई ए स्क्वायर. तो एरिया की जगह पाई ए स्क्वायर. बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बी नॉट इंटू टाइम, बी नॉट कॉन्स्टेंट आ गया, डी टी बाई डी टी वन है. सॉल्व करके यहां से क्या आ गया, ई आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस आ गया. इसको क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगी, इसके ऊपर फोर्स आ जाएगी. तो कैसे निकला इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट क्लियर है. तो आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है ई इंटू टू पाई आर, और एरिया क्या पुट करना है, डी फाई बाई डी टी में, जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. क्लियर है यहां तक, फिर करते हैं एक बार, ये क्वेश्चन क्लियर है. एक और क्वेश्चन करो, ये देखो, मैग्नेटिक फील्ड इन अ सिलेंड्रिकल रीजन इज गिवन बाय अल्फा टी. अल्फा कांस्टेंट है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, और ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन गिवन है आपको, क्रॉस सेक्शन है. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, बोर्ड के बाहर है, बोर्ड के बाहर है. यहां पर दो पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, ये डिस्टेंस टू आर है और इसका रेडियस आर है. तो इसमें पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, आपको क्या निकालना है, ईएमएफ निकालनी है क्यू और पी के बीच में, ईएमएफ क्या होगी. अब ईएमएफ निकालने के आज की डेट में हमारे पास दो तरीके हैं, पहला माइनस डी फाई बाई डी टी और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, कैसे भी निकाल सकते हो. क्लियर है यहां तक. तो आपको पी और क्यू के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकालनी है, ईएमएफ निकालनी है. हम एक काम करते हैं,
हम अगर डी फाई बाई डी टी निकालते हैं तो ई एम एफ निकल जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किन दो पॉइंट्स में निकलेगी ये मैं बता नहीं सकता। तो क्योंकि वो पॉइंट्स मुझे पता नहीं है, ई एम एफ तो मैग्नीट्यूड तो निकाल ही दूंगा, तो इसलिए मैं वो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पा रहा। तो अगर आपको पर्टिकुलरली दो पॉइंट्स के बीच में ई एम एफ निकालनी है, फिर आपको ई डॉट डी एल यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन किसकी है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल की। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि मेरे को दो पर्टिकुलर पॉइंट्स गिवन है जहाँ पर ई एम एफ निकालनी है। मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं कि ये पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, इन्हें ज्वाइन कर दो, ये लो इन्हें ज्वाइन करो, रादर एक सर्कल बना लो, ऐसा पूरा सर्कल बना लो, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस निकालना है वहाँ सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ई डॉट डी एल में सर्कल का सर्कमफ्रेंस लेना पड़ेगा। तो इसमें डी एल क्या होगा, इसमें इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, इसके लिए आपको रेड कलर के इमेजिनरी सर्कल का रेडियस निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि ये रेडियस आर है, ये आर है, ये भी आर है, क्योंकि टोटल टू आर है तो आधा आर है, तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ टू आर। तो सर्कल का रेडियस क्या है, अंडर रूट ऑफ टू आर। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? ठीक। तो ई डॉट डी एल में ई इंटू टू पाई इंटू अंडर रूट ऑफ टू आर, ये स्टेप क्लियर है, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। पहला स्टेप क्लियर है, कहां से शुरू होगा क्वेश्चन, तो ई इंटू क्या करना है, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, अब एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकलती है? डॉट 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 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। ये सिलेंडर नहीं चाहेगा कि इंक्रीज हो, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे कर लेगा, बोर्ड के इनसाइड, और इंड्यूस करंट कैसे होगा, क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होगा, क्लॉक। तो समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्लॉकवाइज क्यों है, क्योंकि इंड्यूस करंट इसमें कैसे आएगा, क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, इंक्रीजिंग है, तो ये सिलेंडर अपना फील्ड अंदर कर लेगा, और इस चक्कर में इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लॉकवाइज होगा। ये स्टेप भी क्लियर है। तो इसके अंदर जो पहला स्टेप है वो क्या होगा, E इंटू टू पाई रूट टू आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों, एरिया वो लेना है जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ यहां पे प्रेजेंट है, और इस सिलेंडर का रेडियस क्या है, आर, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है यहां तक? तो एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों लिया, समझ में आ रहा है? तो एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी, और बी की वैल्यू क्या है, एल्फा टी। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इसमें, सिंपल माइनस साइन नहीं लिया, तो यहां से अल्फा बाहर आ गया, डी टी बाई डी टी वन, सॉल्व करके क्या आ गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पर हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना, हमें तो ई एम एफ निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है पी और क्यू के बीच में। क्लियर है यहां तक? अब ये मेरे पास क्या आ गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस या ई एम एफ की बात करते हो, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इंड्यूस्ड ई एम एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एल। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एल क्या देगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपको देगा। E की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, इस E की वैल्यू को यहां पुट कर दिया DL। अब पोटेंशियल डिफरेंस किन दो पॉइंट्स में निकालना है, P और Q के बीच में निकालना है। तो लेंथ भी कितनी लेनी है, P और Q के बीच में लेनी है। साई लेंथ क्यों लेनी है आपको, जब पोटेंशियल डिफरेंस कहां निकालना है, इन दोनों के पॉइंट के बीच में निकालना है, तो बस ये लेंथ लेंगे। अब ये लेंथ क्या होगी, ये पूरा अगर सर्कल ड्रॉ किया था तो सर्कमफ्रेंस कितना था, 2 पाई इंटू रूट 2 आर, क्योंकि एक क्वाड्रेंट बनेगा 90 डिग्री का, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 4। तो इसकी लेंथ क्या होगी, पूरा सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है यहां तक? तो इसीलिए जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन में ये सब कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इंटीग्रेशन जब डी एल लेंगे, तो वो सिर्फ इतनी लेंथ लेंगे, और ये लेंथ है टोटल सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका जो आंसर आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पी और क्यू के बीच में। यहां पर नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं चलता, जैसे उसमें होता था पी पॉइंट क्यू पॉइंट वी पी माइनस वी क्यू, नहीं चलता। इसमें ई डॉट डी एल में इंटीग्रेशन ऑफ डी एल चलती है, बस यहां से आंसर आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि पहले हमने क्या निकाला, पूरा सर्कल ले लिया, पूरे सर्कल में ई इंटू टू पाई इंटू रूट टू आर ले लिया, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड जहां प्रेजेंट है इंटू डी बी बाई डी टी। बी की वैल्यू को पुट करके हमने ई निकाल लिया, फिर हमने ई एम एफ का फॉर्मूला यूज किया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल में सिर्फ वो लेंथ थी जहां ई एम एफ निकलेगी पी और क्यू, तो इसकी लेंथ को पूरे सर्कल की लेंथ डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, आंसर आ गया। मेडिकल के लिए ये मुश्किल है आना, नॉन मेडिकल में कुछ भी आता है,
तो मेडिकल वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है, नॉट फॉर मेडिकल कहना पड़ेगा मुझे शायद, ठीक है, नॉट फॉर मेडिकल अगेन। क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन में बस एक मॉडिफिकेशन कर दी, पॉइंट्स फिर से पी एंड क्यू हैं, एंगल 90 की बजाय कितना कर दिया 120। फिर रूल वही है, पूरा सर्कल लेके ई निकलेगा, ई निकल गया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो लेंथ लेनी है वो ये लेंथ लेनी है, और पी और क्यू की लेंथ निकलेगी कैसे, ये पूरा जो रेडियस है वो रूट थ्री आर है इसमें, तो 2π इंटू रूट थ्री आर इसका पूरा सर्कमफेरेंस आएगा सर्कल का, और आपको लेंथ सिर्फ और सिर्फ ये लेनी है जो कि एंगल कितना बना रही है 120। तो अगर एंगल 360 डिग्री है तो टोटल लेंथ इतनी है, 1 है तो डिवाइडेड बाय 360 है, और अगर 120 है तो इंटू, बस ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल में ये पुट करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। तो 90 डिग्री में लेंथ 1/4 हो जाती है, 120 में क्या होती है आप प्रोपोर्शन से निकाल सकते हो, इतना ही फर्क है, ये आप ट्राई कर सकते हो, नॉट फॉर मेडिकल, नॉट फॉर एनसीईआरटी, ओनली फॉर मेंस। क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पढ़ें। नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर हैज चार्ज क्यू, कह रहे एक रिंग है, रिंग के ऊपर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है यहां तक। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और डीवी बाई डी टी से चेंज हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। टॉर्क एक्सपीरियंस बाई रिंग, अरे टॉर्क कैसे आ गया, कैसे आया टॉर्क, ये रिंग है, इसके पूरे सर्कमफेरेंस पे चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मान लो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है, तो रिंग नहीं चाहेगा, रिंग अपना भी नीचे कर लेगा और यहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर लेगा, इंड्यूस करंट भी करेगा, लेकिन अब यहां पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ रहा है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा। अब क्योंकि यहां पर चार्ज पड़ा हुआ है और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा हो गया, तो क्यू इंटू ई टेंजेंशियल फोर्स लगेगी और टेंजेंशियल फोर्स रिंग को घुमा सकती है, तो क्यू इंटू आर टॉर्क होगा, आर इंटू एफ टॉर्क। तो टॉर्क क्यों लग रहा है समझ में आ रहा है, यहां पर चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रहा है तो यहां इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स पैदा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है, फोर्स भी टेंजेंशियल है जो रिंग को घुमा देगी, तो आर इंटू फोर्स क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा। तो पहला रूल, रिंग के सर्कमफेरेंस पे क्या निकालना है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहला रूल, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है, रिंग के सर्कमफेरेंस पे। तो इसीलिए हमने यहां पर क्या किया, अगर एक रिंग ली, रिंग का रेडियस क्या है आर, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ई इंटू 2πr। अब मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के अंदर है, वो कह रहे रिंग के अंदर ही है, तो इसलिए एरिया भी क्या लिया, रिंग का ही ले लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रिंग के अंदर ही है, और इंटू डी वी बाई डी टी। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, यहां से सॉल्व करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया किसका, फोर्स आ गई। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ या आर इंटू एफ, तो इस फोर्स को आर से मल्टीप्लाई किया तो टॉर्क आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से टॉर्क कैसे आ सकता है, मेडिकल वालों के लिए भी है क्वेश्चन, पॉइंट समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी के लिए नहीं है, मेंस नीट ओके दोनों में आ सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम किस लेवल पे चल रही है और कैसे सोचना है इसमें। क्वेश्चन
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग रिंग, फिर से वही सेम प्रॉब्लम है, कह रहा है इस बार फिर रिंग है, ध्यान आगे फिर रिंग है, रिंग के ऊपर क्यों चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं के टी, के की वैल्यू 1 है, तो टी फॉर टाइम, टाइम बढ़ता जाएगा, डी बी बाई डी टी बढ़ता जाएगा, तो अगर डी बी बाई डी टी बढ़ेगा तो यहाँ पर फिर टेंजेंशियल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अब हमें समझ में आ गया, अगर क्यू चार्ज है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसमें टॉर्क जनरेट हो सकता है, किया हमने अभी, तो रिंग घूम सकती है, पर प्रॉब्लम यह है कि रिंग फंसी हुई है दो दीवारों में और फ्लोर में, दीवारों में तो फ्रिक्शन है नहीं, फ्लोर में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इसको घूमने नहीं दे रही। अब प्रॉब्लम क्या है, बी बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, टॉर्क बढ़ता जा रहा है, अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब तक रोकेगी, कभी ना कभी तो उसको घूमना ही पड़ेगा, बोलो कितने समय में वो घूमना शुरू करेगी, ये क्वेश्चन है। अब वो समय पूछ रहा है, मतलब पहले धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा है, पहले कहता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सीख लो, सीख लिया, पहले ई निकालना सीख लो, ई निकालना सीख लिया, फिर कहता है अब क्यू इंटू ई से फोर्स निकालना सीख लो, वो भी सीख ली, फिर कहता है टॉर्क निकालना सीख लो, आर इंटू एफ, टॉर्क सीख लिया, अब कहता है टॉर्क सीख लिया, अब फ्रिक्शन के साथ लगाना सीख लो कि फ्रिक्शन के साथ अब कैसे टाइम निकलेगा। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ई इंटू 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर में मैग्नेटिक फील्ड है, इंटू डी बी बाई डी टी, बी की वैल्यू इसमें के टी गिवन है, सॉल्व करके इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना, के इसमें 1 है, तो ये तो आ ही जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, पॉइंट नंबर 1 क्लियर, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब सिचुएशन ऐसी है रिंग की, रिंग की सिचुएशन कैसी है, सबसे पहले ये बताओ कि जो रिंग है वैसे पड़ा हुआ है, ऐसी पड़ी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, बोर्ड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, रिंग नहीं चाहती इंक्रीज हो, रिंग अपना बी कैसे कर लेगी बाहर, तो करंट कैसे घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, इधर 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 लोएस्ट पॉइंट पे इधर इधर, तो फोर्स इधर लगेगी, तो रिंग कैसे घूमेगी ऐसे, तो फोर्स ऐसे लग रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह रहे हो ऐसे लग रहा है, तो रिंग कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है रिंग कैसे घूम रही है या घूमना चाहती है। अच्छा बी मान लो बोर्ड के अंदर है, बी बोर्ड के अंदर है, रिंग अपना बी बाहर कर लेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो फोर्स कैसी होगी, एंटी ऐसे टेंजेंशियल, जब फोर्स ऐसे होगी तो रिंग कैसे घूमेगा, ऐसे घूमने की कोशिश कर रहा है शुरू में, क्योंकि बी कमजोर है, वीक है, तो फोर्स भी कमजोर है, वीक है, तो टॉर्क भी कमजोर होगा, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन ना होता तो घूम ही जाता, तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे होगा, क्योंकि रिंग ऐसे घूम रही है, ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है, इस तरफ, लोएस्ट पॉइंट कहां जा रहा है, इस तरफ, तो फ्रिक्शन कैट करेगी मेरी तरफ, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, क्योंकि रिंग ऐसे घूम रही है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट है, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, यस सर, ठीक है, तो फ्रिक्शन इस तरफ, राइट, अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमे, अब फ्रिक्शन क्या चाहती है, सोचो फ्रिक्शन की फोर्स ऐसी है, फ्रिक्शन कैसी है, इस तरीके से है, तो यहां पे देखते हैं, यहां पे ये जो फोर्स ऑफ क्या है, फ्रिक्शन है, अब फ्रिक्शन मेरी फोर्स चाहती है रिंग ऐसे घूमे, फ्रिक्शन चाहती है कि रिंग उल्टी घूमे, फ्रिक्शन घूमने नहीं दे रही ना, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स चाहती है रिंग ऐसे घूमे, फ्रिक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट फोर्स चाहती है रिंग ऐसे घूमे, अब इन फ्रिक्शन की फोर्स का जो टॉर्क होगा, जब तक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क फ्रिक्शन के टॉर्क से बड़ा नहीं हो जाता या इक्वल नहीं हो जाता, रिंग नहीं घूमेगी। तो मेरा टॉर्क कितना है, मेरा टॉर्क है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स आ गई, फोर्स को आर से मल्टीप्लाई किया तो मेरा टॉर्क आ गया, तो मेरा टॉर्क आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का टॉर्क क्या होगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर, ये फ्रिक्शन का टॉर्क है। अगर आप रिंग को स्टार्ट करना चाहते हो घूमने के लिए, तो मेरा और इसका फ्रिक्शन का टॉर्क कम से कम इक्वल तो करना ही पड़ेगा, इक्वल करके टाइम निकाल लो, आंसर आ गया, पी की वैल्यू आ गई।